नाम आता है गुम है किसी के प्यार में, तो आपके पास ना करने का ना ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड। मैंने ये है मोहब्बत फ्रैंकली बताऊँ बहुत ज़्यादा देखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं कि ये बात कितनी सही है कितना गलत। आशिका के साथ मेरे सीन ज़्यादा होते हैं, तो ऑफकोर्स उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, करने को मिलता है मुझे। अंकित, ब्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। अंकित, गुम है किसी के प्यार में शो में हम आपको देख रहे हैं, नेगेटिव कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, जितना ऑडियंस का प्यार उतनी ही नफरत भी मिल रही है। पहले तो आप ये बताइए कि जो इतना प्यार मिलता है वो आपको कैसा लगता है, और ये जो नई नफरत आपको मिल रही है इसे आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, नफरत मिलती है तो खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम को लोग पसंद करते हैं, तो वो जितना आपको नफरत करेंगे इसका मतलब है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं। और प्यार तो मुझे ऑडियंस ने हमेशा मुझे दिया है, जैसा मैंने बोला, हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है, तो मज़ा भी आता है और कहीं ना कहीं एक ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और खुद से भी हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि हम और अच्छा काम करें, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करें, और मज़ा आ रहा है ये काम करते हुए मुझे, अर्श गुजराल प्ले करते हुए। जब आपको कॉल आया कि हाँ आपको गुम की है किसी के प्यार में शो में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपने ये नहीं सोचा कि नेगेटिव अगर मैं प्ले करूँगा तो कहीं ऑडियंस मुझे जज ना करे? यू नो, बहुत सारे एक्टर्स के दिमाग में ये चीज़ें होती है। देखिए, जब नाम आता है गुम है किसी के प्यार में, तो आपके पास ना करने का ना ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा चैनल है स्टार प्लस, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं राजेश राम सिंह जी, उनके साथ जब एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर भी हैं, तो उनके साथ मैंने 2-3 शो किए हुए हैं, तो उनके साथ मेरे एक अच्छा एक बॉन्ड है, तो ना करने के कोई रीज़न थे नहीं। ऑफकोर्स मैं नेगेटिव करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी अब जो मेरा जो ध्यान है वो पूरा अब लीड के ऊपर है, मुझे लीड करना है, हीरो बनना है, विलन बहुत बन गए। बट जैसे कि मैंने बोला कि कई बार आपके पास जब कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसे एक उनके साथ, जैसे मैं राजेश जी के साथ मेरे जो एक संबंध है, वो चैनल है, तो ना करने का कोई, और फिर अपने आप में कैरेक्टर भी बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था, जब मुझे कहानी बताई थी तो मुझे अच्छा लगा था, तो ना करने का कोई रीज़न था ही नहीं। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो अब बॉन्डिंग कैसी हो गई है सारी स्टार के साथ, और बेस्ट फ्रेंड कौन बन गया सेट पे? आशिका के साथ मेरे सीन ज़्यादा होते हैं, तो ऑफकोर्स उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, करने को मिलता है मुझे। जो रजत है हितेश, उसके साथ भी कुछ सीन्स होते हैं, तो उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। बाकी जितने भी कास्ट है हमारे शो की, वो बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट लोग हैं सारे। हमारे सीन्स तो ज़्यादा साथ में नहीं होते, बट वो जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं, मेरे काम को वो अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब इतने सीनियर्स लोग, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं उस शो में, अगर आपके काम को अप्रिशिएट करें तो अच्छा लगता है। और आशिका के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं सेट पर, और मुझे लगता है हंसी मजाक करते करते, काम करते करते, आप अपने काम को जब इन्जॉय करते हो तो वो जो हम टाइम स्पेंड करते हैं हंसी मजाक, आपका कंफर्ट जोन जो हो जाता है, आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो, तो वो आपके काम में दिखने लगता है, तो मज़ा आता है। आशिका के साथ ही आपको उसमें बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है। फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था सबके साथ जब आप सेट पे फर्स्ट डे गए? जब मैं पहली बार सेट पे गया था, और जो मेरा एक्चुअली जो सीन था वही बहुत हैवी सीन था, और जब आपके पास कोई ऐसा हैवी सीन हो और आपकी एंट्री है और आप इतना बड़े एक ज़िम्मेदारी, आपको एक कैरेक्टर मिला है उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप अपने कंधों पे लेके चलते हो, तो उस वक्त तो खैर मेरा पूरा ध्यान सीन पे था, पूरा ध्यान इस पे था कि काम अच्छा करें, और तो पहला दिन तो वो था, फिर धीरे 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 उस कैरेक्टर को समझने में, और जब मैं उस चीज़ पर उतर गया, अब तो खैर वो मेरे अंदर समा चुका है, तो अब मैं थोड़ा ईजी रहता हूँ, मस्ती मारता रहता हूँ, शूटिंग करता रहता हूँ। पहले दिन थोड़ा सा प्रेशर था, क्योंकि ऑफकोर्स आपको बेहतर काम करना होता, तो उस वक्त ध्यान ज़्यादा वहाँ होता है। बहुत सारे लोग जो है इस शो को, जो अभी ट्रैक चल रहा है गुम है किसी के प्यार में, उसे कंपेयर कर रहे हैं ये है मोहब्बत शो से। आपको भी कई सारे लोगों ने ये कहा होगा कि कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रैक आ रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है?
मैंने ये है मोहब्बत फ्रेंकली बताऊँ बहुत ज़्यादा देखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं कि ये बात कितनी सही है कितना गलत। दूसरी बात मैंने क्योंकि मैं मुझे एक काम करने को मिला है, मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिला है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ। अगर जो आप जैसा आप कह रहे हैं उस पर ध्यान देने लगूँ देखने लगूँगा तो फिर मैं शायद अपने आप को उससे कंपेयर करने लगूँगा। तो मेरे को कैरेक्टर दिया गया है, मैं इसको फ्रेश कैरेक्टर समझ के फ्रेश सीन समझ के करता हूँ, और बाकी मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादातर मेरे से बेहतर क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स चैनल बेटर बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। अगर हम बात करें शो के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, तो सभी और शादी होने जा रही है रजत की, और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब रजत का एक बेटा भी है जो कि आने वाला है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई तो देखिए अभी शो देख के ही पता चलेगा, एपिसोड देख के पता चलेगा। बाकी जो ट्रैक है अभी ट्रैक में ये है कि अब तक जो अर्श जो मैं प्ले कर रहा हूँ, एंड अब तक मुझे लग रहा था कि मैं रजत से बाजी जीत चुका हूँ और अब सब कुछ मेरे पूरा गेम मेरी मुट्ठी में मेरे हाथ में है, और लेकिन उनकी अलग ही प्लानिंग चल रही थी रजत और सवी की, और अब उनके आने वाले ट्रैक में शादी भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जब ये बात अर्श को पता चलेगी तो वो उसका जो रिएक्शन होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसको हर चारों तरफ से दिख रहा था कि वो जीत चुका है, उसकी मुट्ठी में हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली चल रही है पूरा प्लान। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि पीठ पीछे क्या चल रहा है तो उसके क्या रिएक्शन होंगे, वो शूट कर भी चुका हूँ मैं, कल हमने वही शूट किया था परसों। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं और ऑडियंस बहुत इन्जॉय करेगी, बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले हमने देखा था कि जैसे शो में 3 लीप आई, जनरेशन गैप आई, आपका पसंदीदा जनरेशन कौन सा था, फर्स्ट सेकंड या अभी जो चल रहा है वो? मैंने फ्रेंकली बताऊं तो फर्स्ट देखा था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं खुद अपने काम में बिजी था, और तो मैंने थोड़ा सा नील और ऐश्वर्या का जब वो शो आया था, देखिए वो शो कहानी अपने आप में इतनी बड़ी थी ना कि गुम है किसी के प्यार में हर किसी की जुबान पर आ चुका था, तो कहानी में इतना दम था, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस किरदार को निभाया भी। और फिर जब सीज़न सेकंड आया भाविका एंड शक्ति, ऑफकोर्स उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत हो गई थी, उनकी कहानी को भी लोगों ने अपना लिया था, वरना ये बहुत कम हो पाता है कि आप किसी नए कास्ट को लेकर आ रहे हो और फिर वो उनके साथ चल रहा है तो कहानी को अपनाना नई कास्ट, लेकिन ऑडियंस ने उतना ही प्यार उनको भी दिया। और तो मैं बहुत ज़्यादा सेकंड सीज़न देख नहीं पाया बिकॉज मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी था, फर्स्ट मैंने थोड़ा सा देखा था, एंड बाकी मेरे ख्याल से सब ने बहुत बेहतरीन काम किया, और अब हमारी बारी है तीसरे सीज़न की। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस ऑफकोर्स उतना प्यार दे ही रही है, हम सबको दे रही है, और ऐसी देती रही, और हम खूब अच्छा अच्छा काम करेंगे। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपको प्यार भी करती है, लेकिन अगर रजत और सभी के ऑडियंस की बात करें तो आपको हेट भी करती है, तो उन सभी लोगों के लिए कोई मैसेज? नहीं, आप मुझे ऐसे ही हेट करते रहो और आप जब मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत करेंगे तो मैं आपकी उस नफ़रत को सर झुका के स्वीकार करूँगा, क्योंकि मुझे पता है उस नफ़रत में बहुत सारा प्यार है, और आपके रजत और सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं और मेरे वाले लोग भी मेरे साथ हैं, नहीं मजाक करो। अच्छा लगता है जब आपको ऑडियंस आपको प्यार करती है, आपके कैरेक्टर को अप्रिशिएट करती है, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए। कई बार एक्टर तालियों का ही भूखा होता है, जब उसे वो चीज़ मिलती है, जैसे मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, आप जब अपने आसपास के लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, आप जब सेट पे होते हो, तो जब सेट पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं तो उस टाइम कोई कुछ एडिट नहीं हो रहा होता, उस टाइम कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, और वो लोग, मैं हमेशा इसी में, अगर वो 50-60 लोग उस वक्त आपको ध्यान से देख रहे हैं, उस कहानी कैरेक्टर में डूब गए हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, और ये मुझे भगवान की कृपा से, बड़ों की दुआओं से, आशीर्वाद से मुझे ये सब मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑडियंस से पहले मैं जो मुझे उस टाइम लाइव काम करते हुए देख रहे हैं वो मेरे से खुश हैं, मेरे DOP, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी क्रिएटिव टीम, इवन लाइट स्पॉट, जो मेकअप वाले जब कहते हैं कि सर मज़ा आया आपका ये देख के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और ज़िम्मेदारी बढ़ती है और अच्छा काम करने का मन करता है और बेहतरीन सीन आए उसका इंतज़ार होता है। ओके, थैंक यू सो मच अंकित, एंड आई होप ऐसे ही हम अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ करते रहें आपके, और गुम के सारे अपडेट्स हमें मिलते रहे ताकि ऑडियंस तक हम पहुँचा पाएं। आप बेफिक्र रहिए, अर्श गुजराल आपको रजत और सभी के बारे में सब बताता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो गाइज, दिस इज अंकित अरोरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA। थैंक यू।